बीजेपी का घट गया और अगले बार बीजेपी के साथ में थे और बीजेपी का इस बार कब, ये राजभर जी का पावर है, ये राजभर जी का पावर है, तो इसलिए लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अब तकलीफ हो या बाबा सिर हो जाए, मैं नहीं बोल सकता हूँ, सॉरी। अब तकलीफ हो रहा है कि बाबा सिर हो जाए, उससे मतलब नहीं भाई। तेल गरम करके मालिश करने के लिए तैयार थे, आओ राजभर जी मैं आपका मालिश कर दूं, आपको तेल लगा दूं, क्यों? दम है तो राजभर समाज में पकड़ है, दम है हमारे नेताजी में, तब वो आज सामने सब खड़ा किए हैं। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री पद की शपथ ली है और हमारे साथ है सोलह भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष सुबेदार राजभर जी है। आइए जानते हैं क्या कहेंगे आज ओम प्रकाश राजभर जी ने मंत्री पद की शपथ ली और जो कई महीनों से चर्चा चल रही थी कि मंत्री कब बनेंगे कब बनेंगे, आज सब प्रश्नों पर उन्होंने विराम लगा दिया। क्या कहेंगे इस मंत्री पद शपथ पे? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपको भी सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो समाज में घूम के समाज का हर तकलीफ को आप बताते हैं और एक दूसरे को शेयर करते हैं। और हमारे जो हमारे नेताजी की बात रह गई मंत्री पद की, अरे यार वो राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद है, मंत्री के पीछे आप लोग क्यों पड़े हुए हैं? ऐसे जनता पूछती कि मंत्री पद कब मिलेंगे। हाँ ठीक है, वो कुछ लोगों को, अब क्या वो लैंग्वेज नहीं बोलूंगा मैं, जाने दीजिए, लेकिन वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको मंत्री पद की क्या जरूरत है? उसका लेवल अलग है, सामने वाला का लेवल अलग है। वो हमारे नेताजी एक बोलते हैं ना बात कि मैं लीडर हूँ वो लोडर है, इसका अर्थ आपको बताए थे हमारे नेताजी, बताए भी थे आपको कि एक लीडर और लोडर में फर्क क्या होता है, आपको नेताजी ये भी बताए होंगे। आपका इशारा क्या कहाँ जा रहा है कि आज अब ओम प्रकाश जी मंत्री बन गए हैं तो इससे किसी और को तकलीफ हो रही है? अब तकलीफ हो या बाबा सिर हो जाए, मैं नहीं बोल सकता हूँ, सॉरी। अब तकलीफ हो रहा है कि बाबा सिर हो जाए, उससे मतलब नहीं भाई। अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे तो मैं नहीं बता सकता हूँ। जैसे आप कह रहे हैं जो आपने कहा कि वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हाँ ठीक है, हाँ बहुत से लोग कह रहे थे कि इनको मंत्री मिलना नहीं चाहिए, उनके पीछे पड़े थे कि कितने दिन से कि मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे नहीं। अब आप बोल रहे हैं कि कितने लोग बोल रहे थे उनको मंत्री पद नहीं मिलना चाहिए, क्यों पीछे लगे थे? कहना नहीं चाहिए ये सब भाषा, मैं फिर एक गलत बोलने जा रहा हूँ। तेल गरम करके मालिश करने के लिए तैयार थे, आओ राजभर जी मैं आपका मालिश कर दूं, आपको तेल लगा दूं, क्यों? दम है तो राजभर समाज में पकड़ है, दम है हमारे नेताजी में, तब वो आज सामने सब खड़ा किए हैं, नहीं तो बहुत से लोग हैं भाग खड़े हुए हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि नेताजी का दो चार शब्द बस खाली याद रखिए, वो हम नहीं बोल पाएंगे। नेताजी का दो चार शब्द याद करिए कि लीडर और लोडर में फर्क क्या है, तो हमारे नेताजी लीडर है न कि लोडर है। इससे अभी जो चुनाव आने वाला है लोकसभा का, इस पर कितना असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। हमारे पहली बात कि हमारे राजभर समाज के जितने लोग हैं, जितने पहले हमारे नेताजी समाजवादी में थे, समाजवादी पर कितना फर्क पड़ा। अगली बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ था 35 या 37 सपा के विधायक थे और हमारे राजभर समाज हमारे नेताजी सपा के साथ में जुड़ने के बाद 125-30 विधायक हो गए, हुए कि नहीं हुए? तो इसमें भी बहुत, और आज बीजेपी का घट गया और अगले बार बीजेपी के साथ में थे और बीजेपी का इस बार कब, ये राजभर जी का पावर है, ये राजभर जी का पावर है, तो इसलिए लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर की जो पिछली ताकत थी उसको देखते हुए आज ओम प्रकाश जी को बीजेपी ने बुला के सम्मान दिया, बहुत बहुत बड़ा सम्मान दिया और उस सम्मान का मैं स्वागत करता हूँ और बीजेपी का भी स्वागत करता हूँ, सम्मान का भी स्वागत करता हूँ। नेताजी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि जैसे लड़ रहे हैं वैसे लड़ते रहें और समाज को आगे इसे बढ़ाते रहें। धन्यवाद जी। हमारे साथ है चंद्रमणि राजभर जी, महासचिव हैं सोलह भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के। आप क्या कहेंगे इस मंत्री पद की शपथ जो लिया ओम प्रकाश राजभर जी? सबसे पहले आपके चैनल के लिए धन्यवाद देता हूँ और जो आज का ये मंत्री बनना बहुत ही अच्छा और बहुत ही उत्साहिक है सभी कार्यकर्ता सभी पदाधिकारी, और मैं तो बहुत खुश हूँ
कि पिछली बार जो 2022 में गठबंधन समाजवादी पार्टी से हुआ था और उस समाजवादी पार्टी से जब गठबंधन हुआ था तो हमने कभी दिन और रात कभी देखा नहीं और मैं चलने का काम पूरा किया। ऐसा विधानसभा हमारा किराकत पड़ता है, उस विधानसभा में कोई ऐसा क्षेत्र था बचा नहीं कि जहां हम वहां पहुंचे नहीं। आज भी आप भी समझो कि माननीय मंत्री जी अगर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री का शपथ ग्रहण किए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। आने वाला चुनाव जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसमें तो ऐसे ऐसे कार्यकर्ता मेरे पास हैं कि शायद अब मज़ा आ जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। और यही नहीं, आजमगढ़ भी में चलिए, वहाँ भी ऐसे ऐसे गांव है, ऐसे ऐसे अदर कास्ट के सभी लोग हैं कि जो चाहने वाले हैं। राजभर समाज को तो छोड़ो, राजभर समाज तो है ही है साथ में, अदर भी कास्ट अपने साथ है और ऐसे ऐसे मजबूत कार्यकर्ता खड़ा किया। इस बार 2024 के चुनाव में दिन रात एक कर देंगे, उस बार तो मेहनत किया था, इस बार डबल मेहनत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।